नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। कई सारे जानकार कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं दुनिया पर आर्थिक नीतियां लागू करने का काम करती हैं और इन्होंने गरीबी को लेकर के रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इस रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, इस रिपोर्ट में कमियां कहां पर हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी अनिंदो चक्रवर्ती। तो सर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में तकरीबन 5,60,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए भारत में। ये तो उनका आंकड़ा है, लेकिन आप ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा जाए कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को किस तरीके से देखना चाहिए और उसमें कमियां क्या होती हैं जिसको लेकर के थोड़ा सा संदेह करना चाहिए। देखिए, एक तो चीज हमें मानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि गरीबी बढ़ी है, ठीक है। 5,60,00,000 लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, ये वर्ल्ड बैंक का मानना है 2020 में कोविड के चलते। और उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शायद 2021-22 तक के एंड तक ये काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का बहुत अच्छा, भारत का बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक ये कैलकुलेशन कैसे करती है और हमें कहां तक इस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने सवाल कहा, मेरा मानना है कि वर्ल्ड बैंक चाहती है कि दुनिया भर को लगे कि जो भी गरीबी बढ़ रही है वो कोविड के चलते ही बढ़ रही है। हाँ, कोविड के चलते बढ़ी है गरीबी, लेकिन कोविड के बीच में गरीबी क्यों बढ़ी, इसका कारण कोविड नहीं है, इसका कारण है दुनिया भर में जो आर्थिक नीतियां लागू की गई हैं उस पे जो लोगों पर असर पड़ा है, उसी का कारण है कि गरीबी बढ़ी है। क्योंकि कोविड के अंदर अमीर तो और भी अमीर हुए हैं, बिलियनर बढ़े हैं, बिलियनर जो है उनका जो कुल जो संपत्ति है वो भी बढ़ा है, जो सबसे अमीर है उनको फायदा हुआ है। तो फिर हम क्यों माने कि कोविड के चलते ही हुआ, ये कोविड के चलते नहीं हुआ, ये कोविड ऐसे आर्थिक स्थिति में आई है जिसके चलते गरीब और भी गरीब हुए, और ये आईएमएफ नहीं कहे, ये पहली बात है अजय। ये बात कि मतलब गरीबी का जो हम निर्धारण करते हैं वो कोई थ्रेशहोल्ड बनाते हैं, तो जो वर्ल्ड बैंक ने थ्रेशहोल्ड बनाया है कि 2.15 डॉलर प्रतिदिन से जो कम खर्च करते हैं, तो इस थ्रेशहोल्ड तक वो कैसे पहुंची और ये थ्रेशहोल्ड बनाने में दिक्कत कहां पर, कमी कहां पर है? देखिए, एक तो सबसे मजेदार बात है कि बहुत लोग कहते हैं कि अरे वर्ल्ड बैंक का जो थ्रेशहोल्ड है वो बहुत ज्यादा है, $2.15 ये तो बहुत होता है। आज $81 पे चल रहा है, इसका मतलब आप तो ₹175 दिन का कह रहे हैं। ₹175 दिन का अगर आप देखें तो ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। इतना लोग हमारे देश में तो आराम से आपको गरीब लोग आराम से खाएंगे ₹175 दिन में। लेकिन ये गलत है, पहली बात है, क्योंकि जो डॉलर कहा जाता है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे 175 छपा है, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक डॉलर लेवल लेती है उसको पीपीपी डॉलर कहते हैं, यानी परचेजिंग पावर डॉलर पैरिटी। इसका मतलब है कि हमारे देश में अगर जैसे अगर 2.15 डॉलर या $2.15 में 2017 में अमेरिका में जो आप खरीद पाते उसको खरीदने में हमारे देश में कितना लगेगा, तो 2017 में वो एक्सचेंज रेट जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी एक्सचेंज रेट माना जाता है वो ₹20.65 थे। इसका मतलब है $2.15 ₹44 है, ₹175 नहीं है, ये पहली बात है दर्शकों को समझना चाहिए। ₹44 है, ₹44 अगर आप देखेंगे हमारे देश में औसतन माना जाता है कि एक फैमिली में 4.3 लोग हैं, ये औसत है क्योंकि 4.3 तो होते नहीं कहीं पे, खैर औसतन 4, तो अगर हम देखें तो अगर कोई भी फैमिली हमारे देश में औसतन फैमिली परिवार ₹5,700 खर्च कर रही हो महीने में, तो उसको वर्ल्ड बैंक गरीब नहीं मानता है, ठीक है। पिछले एपिसोड में अजय हम लोगों ने बात किया था कि हमारे देश में कम से कम आपको आपकी आय या खर्चा, आपका कुल खर्चा ₹8,500 के आसपास होना पड़ेगा ताकि आप ताकि आप खाने पे ऐसा खर्च कर सके जिससे आपका भरपेट खाना मिले, न्यूट्रिशियस पोषक खाना नहीं, भरपेट खाना। तो इसे साफ है कि वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट है वो बहुत ही रिडिक्यूलस, यानी मतलब जिसपे आप हंस सकते, हास्यास्पद एस्टिमेट है, ठीक है, कि ₹44 से ऊपर ₹45 कोई खर्च कर ले तो वो गरीब नहीं हमारे देश में।
ये वर्ल्ड बैंक तैयार करती है, ये एस्टिमेट इसने तैयार किया है, 15 सबसे देश के दुनिया के गरीब देशों का, ज्यादातर जो अफ्रीका अफ्रीका में, उनका जो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट है, लाइन है, उसके बेसिस पे एस्टिमेट करके उसको डॉलर में कन्वर्ट किया है, पीपीपी डॉलर में। अब आप देखिए ऐसे देशों में जानबूझ के वो एस्टिमेट को हाई रखते हैं, इसको लो रखते हैं, ये कहने के लिए कि हमारे देश में उतने गरीब लोग नहीं है। तो इसमें ना ये है कि खाने को भरपेट खाना मिल रहा है या नहीं, इस पैसे में बाकी जो किसी भी सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए वो बढ़ रहा है या नहीं, कुछ नहीं है इसमें। ये सिर्फ उसी वक्त का 90 1990 से जो इन्होंने ले रखा है उसको सिर्फ इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ है कि गरीबी असल में बहुत ज्यादा है, ये तो पहली बात है। लेकिन अजय इस रिपोर्ट में कुछ भारत के एस्टिमेट में भी मैं मानूंगा कुछ गड़बड़ी है। हाँ, बात है कि एक मतलब आप लोग सोचिए कि 5700 रुपये आपके महीने जेब में हैं और आपको घर का किराया देना है, शहर में रहना है, खाना है, बिजली है, पानी है, बच्चों को पढ़ाना है, और बाद में सोचिए कि आप गरीब हैं कि नहीं, वो तो एक बात है। ये बात कि भारत में तो 2011 के बाद कोई गरीबी रेखा, गरीबी से जुड़ी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, तो भारत को लेकर के किस तरह के आंकड़े उन्होंने कैसे प्रकाशित किए हैं? बिल्कुल। तो देखिए कि भारत में गरीबी रेखा के बारे में कोई एस्टिमेट नहीं हुआ, तो सुरजीत भल्ला के नेतृत्व में एक पेपर लिखा गया था, जिस पेपर में कहा गया था कि हमारे देश में शायद 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए कोविड के चलते। और ये एस्टिमेट उन्होंने जीडीपी के बेसिस पे किया था कि जीडीपी का जो देखा जाए, पहले का जो अगर हम गरीबी रेखा देखें और जीडीपी जिस तरीके से घटा है उससे लगता है इतने लोग गरीबी रेखा के। लेकिन ये इससे हमें इंडिविजुअल फैमिली पे क्या असर पड़ता है इसका कोई आइडिया नहीं होता है। जीडीपी तो एक टोटल है अलग अलग लोगों पे। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, सीएमआई, जिसका डेटा मैं भी बहुत यूज करता हूँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है लेकिन वो लगातार डेटा कलेक्ट करती रहती है, लगभग 1.5 लाख लोगों से हर हफ्ते, परिवारों से हर हफ्ते डेटा कलेक्ट करती है। सीएमआई का डेटा लेकर उन्होंने ये एस्टिमेशन किया है और उसको एडजस्ट किया सीएमआई, क्योंकि आपको कंपेयर करना है सरकारी यानी एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा, सीएमआई का डेटा, दो अलग अलग सर्वे, दोनों अलग अलग मेथड है, उससे उन्होंने किया है। तो उस मेथड में उन्होंने जो मेथड यूज किया है उसमें दो मेथड वो खुद ही कहते हैं, अप्रोच 1 अप्रोच 2। उन्होंने अप्रोच 1 यूज किया है क्योंकि सीएमआई का डेटा उतना अभी तक नहीं है जिससे वो कर सकते हैं। अप्रोच 1 में क्या होता है, जिसको सर्वे टू सर्वे ट्रांसफर कहा जाता है, S2S। इसका मतलब है कि आपने एक सर्वे का जो मेथड है उसको लेकर आप दूसरे सर्वे में उसी को लागू करते हैं, कि आप कह रहे हैं कि अगर परिवार की आय इतनी है तो वो इतने इन चीजों पे यही खर्च कर रहे होंगे, है ना, उसी को लेकर आप दूसरे सर्वे का डेट। लेकिन वो खुद मानती है कि देखिए कि जो एक तरीका शॉक लगा कोविड से, इतने लोगों की नौकरियां चली गई, उनका रोजगार चला गया, तो परिवार का क्या खर्चा वो सेम नहीं रहेगा जो एनएसएस का था। हमें जो सीएमआई का खर्चे का आकलन है, जो सीएमआई का खर्चे का एस्टिमेट है उसको लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिया है, उन्होंने एनएसएस का लेकर सीएमआई पर लगाया है। और वो मानती है कि इससे जो है कि हो सकता है कि गरीबों का जो काउंट है वो कम हो, ये तो पहला है। दूसरी बात है कि सीएमआई ने 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था तो लोग जो उनका पैनल है उनको बहुत से टेलीफोनिक इंटरव्यू का किया है फोन पर। अब बात यह है कि बहुत लोगों ने कहा कि देखिए हमारे देश में तो 70% लोगों के पास शायद फोन होगा, तो ये फोन पर आपने किया तो उन्हीं लोगों से किया जो थोड़े संपन्न है, तो इसमें तो गरीब लोग जो है वो तो आप गिन ही नहीं पाए उतना, है ना। तो 5% ऐसे लोग सर्वे के जो है फोन है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि फोन पे अगर आप सर्वे करें तो इससे गरीबी ज्यादा दिखती है, कम नहीं। उन्होंने कोई अफ्रीका का सर्वे का एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि इससे साफ होता है कि फोन हो पे बात करने से काउंट ज्यादा हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, फोन पे जितने भी इंटरव्यू है, जो कि 5.2% इंटरव्यू है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको रिपोर्ट में सीधा नहीं मिलेगा, रिपोर्ट में नीचे एक लाइन है कि आपको अगर काउंट देखना है तो आप ऑनलाइन जाइए और वहां पे एनेक्स देखिए, चैप्टर 1 का एनेक्स 1G,
उसमें जाके आपको दिखेगा कैसे हमने किया। वहां पे आप जाके दिखे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर फोन वाले सर्वे वो लेते तो वहां पर उनका जो टोटल पॉवर्टी निकलता भारत का वो होता 17.8%। फोन हटाने से कितना हो गया? 14.3%। तो जो वो 5 करोड़ 60 लाख कह रहे हैं, अगर वो फोन वाले इंटरव्यू लेते तो वो नंबर 10 करोड़ से ज्यादा होता जाए, 5 करोड़ 60 लाख नहीं होता। तो ये उनका खुद का मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं उनका। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि फोन रिपोर्ट से हटाने से, मैं आपको एक सेकंड बताता हूं, उनका मानना है कि अंडर काउंट पॉवर्टी माइट अंडर काउंट द पुअर, मतलब उनके रिपोर्ट में शायद हो सकता है कि गरीब लोग जो है उसका काउंट कम हुआ जितना होना चाहिए था। दोनों में, पहला मेथड और दूसरा फोन सर्वे हटाने से, तो असल गरीबी रेखा से नीचे जो लोग बढ़े और वो भी IMF का गरीब हास्यास्पद गरीबी रेखा, उसके नीचे जो चले गए वो 10 करोड़ हैं, 5 करोड़ 60 लाख नहीं है। बहुत सारे देशों ने तो वर्ल्ड बैंक की नीति अपनाई, लेकिन जिन्होंने वर्ल्ड बैंक की नीति नहीं अपनाई, उसे ठुकरा दिया, अगर उससे देखें तो गरीबी की क्या स्थिति दिखती है, जैसे चीन को ले लें हम। बिल्कुल, मैं उस पर आने से पहले एक लाइन बता देता हूँ कि आपने बहुत पढ़ा होगा कि 1900 वर्ल्ड बैंक कहती है कि 1990 से 2019 तक बहुत गरीबी कम हो गई दुनिया भर में, और ये इसलिए कहती है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के सारे पॉलिसीज लागू किए हैं 1991 में, जब हम मनमोहन सिंह ने हमारे देश में रिफॉर्म्स लागू किया था जिसको हम LPG रिफॉर्म कहते हैं, लिबरलाइजेशन ग्लोबल प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो, तो वो अचानक मनमोहन सिंह जी के दिमाग से तो उत्पन्न होकर नहीं आए थे ना, क्योंकि उसे 2 साल पहले साउथ साउथ कमीशन के तरफ से पेपर प्रेजेंट करते वक्त मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमारे जैसे देश के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका बिल्कुल उल्टा 2 साल बाद कैसे कर दिया उन्होंने, उनके स्पीच में भी उन्होंने कैसे डाल दिया। तो ये जो है ये साफ है, 2010 में वर्ल्ड बैंक और IMF के डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हुए थे, उसमें साफ है कि उन्होंने कंडीशंस डाले थे सारे देशों में। 1991 में जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, सिर्फ 7 महीने का इंपोर्ट करने का पैसा था हमारे पास, तब वर्ल्ड बैंक के पास हमारी सरकार गई थी लोन लेने, वर्ल्ड बैंक IMF ने कंडीशंस डाली थी कि आपको ये प्राइवेटाइजेशन करना होगा, निजीकरण करना होगा, भूगोलीकरण करना होगा, बाहर के कैपिटल को आने देना पड़ेगा, बाहर के गुड्स को आने देना पड़ेगा, है ना। तो इसी के चलते ये सारे लागू हुए था, दुनिया भर में ये लागू हुए। तो वर्ल्ड बैंक कहना चाहती है देखिए इसके चलते गरीबी कम है, ये नहीं बताती है कि अगर चीन को आप हटा दे और सिर्फ ये जो हास्यास्पद $2.15 है, ये तो अभी अभी बदला है, उससे पहले तो $1.9 होता था क्योंकि 2011 का PPP लिया जाता था, परचेसिंग पावर पैरिटी, अब तो 2017 का लिया जाता है, अभी अभी बदला है उन्होंने, तो दो वो 1.9 को अगर 2.5 कर देते और चीन को हटा देते तो एक आज थोड़ा सा भी गरीबी 1990 से 2019 तक कम नहीं हुआ। 30 साल में कोई भी कमी नहीं हुई गरीबी की। अगर आप इसी को बढ़ाकर $5-5.5 पे ले जाए, अब चीन और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हटा दीजिए, ठीक है, इनको हटा दीजिए जिसको एशिया पैसिफिक कहा जाता है, और चीन इसको हटा देते हैं, और उसमें भी चीन का रोल सबसे ज्यादा है, भारत का भी है, इनको अगर आप हटा दे सिर्फ $5.5 ले ले, $5.5 भी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उससे कोई फायदा ज्यादा कुछ है नहीं। तो $5.5 भी आप अगर आप ले लेते जो कि ₹80 डेली के आसपास आता है उस टाइम के दिन, तो उसमें ग्लोबल पॉवर्टी बढ़ा है 1990 से। 2 बिलियन जो थे उसके जगह 2.6 बिलियन हो गया है ग्लोबल पॉवर्टी। हाँ, एक तो आप कह सकते हैं इतने सालों में तो पॉपुलेशन भी बढ़ा है, तो पॉवर्टी तो बढ़ेगा इतने, लेकिन क्यों बढ़ेगा? जिस रेट से पॉवर्टी का डिक्लाइन हो रहा था ये सारे नीतियां लागू करने से पहले, उसके तुलना में कम हो गया है पॉवर्टी का डिक्लाइन। गरीबी कम होना का जो रेट था वो स्लो हो गया, इसीलिए वर्ल्ड बैंक खुद मानती है 2015 से गरीबी उस रेट से कम नहीं हो रहा है, गरीबी थोड़ा बढ़ रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी मानती है, लेकिन वो कहना चाहती है कि देखिए ये सब हुआ है ये कोविड के चलते हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा होता।
ये बहुत सारी परेशानियों का कारण कोविड को थमा दिया जा रहा है, जितनी भी आर्थिक परेशानियां हैं, उससे पहले क्या स्थिति थी उस पर बहुत कम बात होता है। लेकिन सर एक बहुत मतलब कुछ लोग कहते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग देखें हम इसको, कहते हैं कि जो थ्रेशहोल्ड है उसको जब हम नीचे रखते हैं तो टारगेटेड डिलीवरी करने में आसानी होती है, जो सबसे गरीब है वहाँ तक पैसा अगर हम पहुँचाना चाहें या कुछ देना चाहें उसमें आसानी होती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं इस तर्क को? मतलब ये तर्क का कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात है कि सिर्फ पैसा पहुंचाना, वर्ल्ड बैंक कहती है कि सब्सिडी मत दीजिए, सिर्फ पैसे दीजिए, ये तो पहली बात है। ये टिपिकल उन्हीं का कहना है, इस रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा है। क्योंकि पैसे देने से क्या होता है, पैसे देने से होता है कि आपके हाथ में अगर 1,000 रुपया है, आप जाके मार्केट में खरीदेंगे, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, है ना, स्पेशली खाने के दाम तो खाना तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, अनाज तो खरीदना ही पड़ेगा, और जो बेचता है उसको फायदा होगा। सब्सिडी अलग चीज है, फूड डायरेक्टली देना अलग चीज है, क्योंकि उसमें मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट नहीं होता। अगर इंपैक्ट होता है तो मार्केट प्राइस को वो कम रखता है, बढ़ने नहीं देता है। तो जब आप यूनिवर्सल यानी सभी को देते हैं अनाज, तो ये होगा कि मैं तो राशन शॉप जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें जो चावल का क्वालिटी आएगा वो गरीब लोग खाएंगे जरूर, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो इंडिया गेट बासमती लेता हूं, और वो भी चावल मैं मोटापे कारण से कम लेता हूं, है ना, तो मुझे जरूरत नहीं है। तो जिसको कहते हैं वॉलंटरीली हम लोग नहीं जाएंगे, जो अमीर लोग हैं वो नहीं लेंगे, इसलिए यूनिवर्सल होना चाहिए। इसको थ्रेशोल्ड कम नहीं, उल्टा थ्रेशोल्ड को बढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सल करना चाहिए, ताकि सभी को मिले। कुछ लोगों के लिए ये ज्यादा नहीं होगा, आप उनसे टैक्स से वापस भी ले सकते हैं। अगर मुझे आप महीने में 10,000 रुपए दे दे एक्स्ट्रा, हाँ, लेकिन मेरा टैक्स बढ़ा दे, तो नेट इनकम सेम ही होगा, तब मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप मेरा टैक्स मत बढ़ाइए। लेकिन गरीब अगर जो जिसका इनकम 50,000 रुपए फैमिली इनकम है, और वो दिल्ली शहर में रहता है, और 2 बच्चे हैं घर में, बीवी है, बूढ़ी माँ है, उसके लिए कितनी परेशानी है आप जानते हैं। उसको अगर 10,000 रुपए मिल जाए तो वो काफी फायदा। हमारे देश में 50,000 रुपए कमाने वाला वो 70th percentile में होगा, 80th percentile में होगा, उसको लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत अमीर आदमी, असल में नहीं है, यही असलियत है। किसी के घर में फ्रिज हो जाए तो हम कहते हैं अरे बहुत अमीर है, ये क्या गरीब हुआ, यही बात है। हम 1960 में जो बैठा हुआ है उसके साथ कंपेयर करते हैं गरीबों का, लेकिन अमीर जो जिनके पास 4-4 घर है उनको कहते हैं हाँ अमीर है, काम किया है, तो इनको तो मिलना ही चाहिए। आपसे अंतिम सवाल, मतलब गांव देहात में होता है, कहीं भी होता है कि लोग कहते हैं कि भाई गरीबी कहाँ है, देखिए ना ये कहाँ गरीबी है, और एक बात कहा जाता है कि गरीबी को सापेक्ष तौर पर देखा जाए, रिलेटिव टर्म में देखा जाए, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा दर्शकों को आप इसको खोल के बता दीजिए। देखिए यही मैं कह रहा हूं, मैं फिर से दोहराता हूं कि जब हम गरीबों का देखते लेवल, तो कहते हैं अरे किस बात की गरीबी, फोन है, टीवी लगा रखा है घर में, इनको समझ नहीं आता है कि कंजम्पशन जो है, लोग जिस चीज पे खर्चा करते हैं वो एक कल्चरल चीज है, वो एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में बदल जाता है। जमींदार जो होते थे 1920 में, उसके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो आज क्या उनको क्या हम गरीब कहते हैं, नहीं कहते ना, वो तो अमीर थे। तो हर एक सोसाइटी में कंजम्पशन का पैटर्न अलग अलग होता है। जिसके घर में आज इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब नहीं है, गरीब एक रिलेटिव टर्म है। और अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने भी ये इंट्रोड्यूस किया है, जो सोशल पॉवर्टी लेवल वो कहती है, वो जो एक रिलेटिव है, एक देश के अंदर रिलेटिव टर्म में क्या गरीब है। और उनका कहना है कि हमारे देश में 30% लोग गरीब हैं, वर्ल्ड बैंक भी मानती है कि 30% लोग उस रिलेटिव टर्म में गरीब हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अमीरों के तुलना में गैप जो है उसमें गरीब हैं 30% लोग। तो बात यह है कि हम कहते हैं कि अरे हम ये नहीं देखते कि अमीर लोग एक लंच में जाके 10,000 रुपए आराम से खर्च कर देते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और कहीं कहीं पे तो एक वाइन का बोतल ले लेते हैं 20,000 रुपए का। बिल्कुल। और हम वो नहीं देखते, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि अगर गरीब वाले के घर में एक फैन लग गया, 2 बल्ब लग गए,
तो हम कहते हैं ये तो अमीर हो गया, किस अमीर हो बात गया, की कर बिल्कुल ठीक। उसके उस वो उसके पास अच्छा बेड क्यों नहीं होगा, उसके पास बाइक क्यों नहीं होगी, उसके बच्चे क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम क्यों सोचते कि ये गरीब है इसके लिए यही काफी है, और अगर इसके ज्यादा हो गया मतलब ये खाने को मिल रहा है, कपड़े तो मिल गए, इसका मतलब गरीबी खत्म, इसने जींस पहन लिया वो किसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया इस पे बातचीत करने के लिए, फिर से एक बार ये कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को किस तरह से देखा जाए इस पे बताने के लिए शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, हमारे ट्विटर पेज और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।